एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हिमाचली व्लॉगर नविता वर्मा। तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी लगभग 9:30 हो चुके हैं और मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू। और यहाँ देखिए, आरोही के बर्थडे की जो डेकोरेशन थी वो इस तरह से की थी हमने। और अभी पूरा यहाँ पे नीचे बताऊँ मैं आपको, तो पूरा इन्होंने धमाल मचा के रखा है, पूरा गंदगी मचा के रखी हुई है। तो वो साफ़ सफाई कर रही थी, किचन साफ करके फ्री हुआ। अभी किचन के बर्तन धोए हैं अभी। और ब्रेकफास्ट में बोल दो, ब्रेकफास्ट में आज मेरे पास शाही पनीर बचा हुआ था रात का ही, तो हमारा ब्रेकफास्ट वही हो। आपका तो अभी सो के उठी है, अभी अभी उठी है तो वो रही है अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। बाकी हम सब ने कर लिया हुआ है, बर्तन मैंने धो लिए हैं सारे, किचन थोड़ा साफ कर दिया हुआ है। और आज पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि पोछा कल भी लगाया है, तो बस अभी झाड़ू का काम हो रहा है। और यहाँ दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अभी तक बिस्तर में बैठे हैं, अभी सो के उठे हैं। इनकी सुबह ही बहुत लेट होती है, अभी सो के। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। तो दोनों बैठे हैं यहाँ पे। हाय आरोही, हाय कर दे। तो अभी बैठे हैं ये यहाँ पे, और अभी आरोही हेल्प करती मेरी, और आराध्य तो बैठा हुई है बिस्तर में और गप्पे मार रहे हैं। और यहाँ दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ देखिए, सुबह सुबह हमारी मिस, शक्ल नहीं दिखाते सुबह सुबह हमारी मिस, क्या बोल तुझे है, क्या बोलो मिस, कुछ नहीं, कुछ मत बोलो। ये है हमारी मिस पम्मी, पम्मी बोल लो इसको, मिस पम्मी, क्योंकि अभी सो के उठ रही है। और 9:30 हो गए हैं और ये देखिए इसका हाल, अभी सो के उठ रही है, अभी बिस्तर में दोबारा पड़ पड़ गई है, अब ये उठने वाली नहीं है। तो बस मैं झाड़ू लगा के फ्री हो गई। इसके रूम से भी भूख लगी है, अंदर खाना बना हुआ है, खा ले, खुद हैंडवॉश कर ले, सब्जी गर्म है, फटाफट उठ। तो चपाती बनी हुई है और मुझे बोल रही है वो भी कि खाना दो मुझे, और मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू। तो चलिए फिर मिलूंगी थोड़ी देर में। अभी तो सुबह की शुरुआत हुई है, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग भी अभी की है, और बस अभी फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, पहले साफ सफाई। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो दिन का टाइम है और अभी टाइम लगभग डेढ़ नहीं दो बजने वाले हैं, और अभी हम 154 हुए हैं। और आज है हम सब घर पे, पति देव भी है घर पे और बच्चे भी हैं, सभी है। और यहाँ पे हमारी चल रही है गेम, और ये देखिए, ये तो आपको पता है आरोही का बर्थडे था तो उसकी डेकोरेशन हुई है यहाँ पे अभी, क्योंकि हमने इसको हटाया नहीं है, क्योंकि अभी आस्था का बर्थडे भी आने वाला है। तो आस्था बोल रही थी मम्मा इसको हटा दो, तो हमने बोला नहीं इसको नहीं हटाएंगे क्योंकि अभी तेरा बर्थडे आने वाला है। कहते ये वाली डेकोरेशन चलेगी, मैं कह यही चलेगी। तो यहाँ पे है देखिए, बैठे हैं और आज हमारी गेम चल रही है, कंपटीशन चल रहा है अभी तक हम तो हम आज शूटिंग गेम खेल रहे थे। तो उसमें रुक जा अभी मत लगा, तो उसमें हम चार थे, आरोही, आराध्य, मैं और आस्था। तो उसमें आराध्य सबसे पहले बाहर हो गया है क्योंकि इसके एक पॉइंट बना था, मेरे दो पॉइंट बने थे, आरोही के 3 और आस्था के 4 पॉइंट बने थे। तो उसमें आराध्य बाहर हो गया। फिर सेकेंड राउंड हमारा शुरू हुआ, तो सेकेंड राउंड में आरोही के आरोही और मेरे में टाई हो गया। तो फिर हमने दोबारा से हमने यहाँ पे मतलब फायर किया, तो फिर उसमें मैं विनर हूँ। तो उसके बाद अब मेरे और आस्था के बीच में फाइनल हो रहा है। तो अभी हम फाइनल के गेम खेल रहे हैं, और आपको दिखा दूं मैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे पुराना सा टेडी है ये रखा हुआ है, और इसके ऊपर हमने यहाँ से हम लगा रहे हैं आराध्य गन्ने, और हम बच्चों वाला गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको यहाँ से हम फायर करते हैं, जो उसमें टैडी में लग जाता है जिसका, तो वो हम काउंट कर लेते हैं। 6 हमारे पास इसकी, 5 है इसकी, हाँ 5 इसकी गोलियां हैं। तो जो जितना भी होगा, तो अब मेरे और आस्था के बीच में, वैसे आस्था बहुत अच्छे निशाने लगाने में क्योंकि ये पहले से ही बहुत अच्छी चल रही है। तो अब हम आगे चल रहे हैं कि देखते हैं कि हाँ इसने एनसीसी में भी पार्टिसिपेट किया है ना, तो इस वजह से तो ये बहुत अच्छी शूटर भी है। मम्मी का कॉल भी आ रहा है साथ में, और अभी हमारी गेम चल रही थी यहाँ पे, मम्मी का कॉल भी आ रहा है यहाँ पे साथ में। तो बस अभी हम चल रहे, चुप करो, चुप रहोगे आप तो।
वीडियो कॉल भी आ रहा है अभी, लेकिन अभी हम गेम चल रहे हैं तो अभी आपको दिखाते हैं। चल कर बोलते ब्रेन साहब। यहाँ देखिए 3 लग चुके हैं और यहाँ बैठी है, ये देखिए 4 लगे। अब मेरा है, चलो लो लो, अब मेरी टर्न। वहाँ दिखाना और ओके कोई भी जीत जाओ, पर रुको कोई मत जीतो। दिख रहा है? इस गेम की विनर है आस्था दीदी। 4-0 अभी तो है। 2 5 में से 0 लगने वाली है। तो हमारे बीच में हो चुका है मुकाबला और इसमें विनर रही है हमारी आस्था, क्योंकि मेरे तो 0 ही हुए, पहले मैंने 4 मारे थे लेकिन इस बार मेरे 0 हुए और इसके 4 हो गए, तो 4-0 से ये वाला जो हमारा शूटिंग का गेम था ये जीत गई है। और आराध्य दोबारा से सेकंड गेम के लिए स्टार्ट हो गया, तो आज पढ़ नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, इसको गिफ्ट चाहिए। आजा गिफ्ट चाहिए, आजा गिफ्ट, ये देखिए इसको गिफ्ट चाहिए, ले मिल गया गिफ्ट। तो ये हमारा गिफ्ट है और हमारी गेम चल रही थी और इसने वैसे एनसीसी में गए तो वहां पे भी इसने फायरिंग किया, तो मैंने बोला इसको तो गोली मारने में ही है। तो ये अच्छे गोली मार दे। और यहाँ देखिए पतिदेव, देखिए ये देखिए कहाँ लगे है मोबाइल में, वाह वाह बहुत बिजी है, इनको नहीं है ये मोबाइल में है, रात दिन इनको बस मोबाइल में ही घुसना होता है, मोबाइल में ही लगे हुए हैं। तो बस आराध्य अब स्टार्ट कर रहा है और हमारी गेम हो चुकी है, वैसे इस गेम की विनर हो चुकी है आस्था और सेकंड रनर अप जो रनर अप रही वो मैं रही। तो हंस रहे और पतिदेव तो इस कंपटीशन में आए नहीं क्योंकि इनको तो है नहीं, ये देखो कमरों में घुसे जा रहे हैं, आज घर में है, 3 दिन की छुट्टी है, मस्ती मार रहे हैं घर पे। तो बस इनको चंडीगढ़ गए थे तो चंडीगढ़ से आए तो बस फिर बोल रहे कि अब मैं रेस्ट करूंगा, घर पे ही हूँ अभी, 2-3 दिन घर पे हैं। तो बस अभी हमारा लंच हुआ, लंच करके फ्री हुए तो उसके बाद हमने ये गेम स्टार्ट कर दी। तो चलिए अब आराध्य दोबारा से शुरू हो गया है, लेट ही ये देखिए लेट के ही स्टार्ट हो रहा है कि बस लग जाए इसमें, जैसे भी लग जाए बस नहीं तो बस। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और आराध्य बोल ही रहा था कि सेकंड गेम तो लड़के ही जीतेंगे, तो मैंने बोला लड़कियां ही विनर होगी, तो हम विनर रहे। तो ये देखिए अभी भी ये लगा ही रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए अब हमारा मैच तो हो चुका है और आस्था हो चुकी है उसमें विनर, और अब मैं बना रही हूँ मूंग दाल का हलवा। तो ये देखिए मैंने रात को ही जो छिलके वाली मूंग दाल होती है उसको भिगो के रख दिया था और उसका छिलका निकाल दिया है, और साथ ही मैं इसको कर रही हूँ ग्राइंड। अभी इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करूँगी। तो ये देखिए ग्राइंड करके इस तरह से कुछ इस तरह से मैं रख रही हूँ इसको ग्राइंड करके, और जो बाकी बची है मेरे पास अभी मूंग दाल उसको भी मैं कर रही हूँ ग्राइंड, और साथ ही साथ मैं और भी तैयारी कर रही हूँ ग्राइंड करने के साथ साथ। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास तो उनको भी मैं कट करके रख दूँगी क्योंकि फिर मुझे इसमें हलवे में डालने होंगे। तो बस साथ साथ मैं ये भी तैयारी कर रही हूँ, और अब साथ में कढ़ाई भी लगा दूँगी, उसमें डाल दूँगी घी। तो अभी पहले मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा रफली चॉप करूँगी, ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं, रफली चॉप करूँगी। तो बस अब ड्राई फ्रूट तो मैंने चॉप कर लिया और साथ ही में अब मैंने कढ़ाई लगा दी है, उसमें डाल दिया मैंने घी और जो मैंने मूंग दाल ग्राइंड की थी उसको डाल दूँगी इसके अंदर। तो इसको काफ़ी टाइम लगता है पकने के लिए और थोड़ा घी भी इसको ज़्यादा लगता है पकने के लिए। तो ये देखिए अब थोड़ी देर के बाद लगभग 10 मिनट के बाद इस तरह से हो गया इसका कलर,
और बस हिलाते जा रही हूँ इसको, अच्छी तरह से मिक्स करना करते रहना पड़ेगा आपको, और ये काफ़ी टाइम लेता है, 1 से 2 घंटे लग जाते हैं इसको पकने के लिए, लेकिन काफ़ी टेस्टी बनता है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बस ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और मतलब इसको थोड़ा सा लिक्विड चाहिए, घी ज़्यादा लगता है इसमें और इसको भूनने में भी बहुत टाइम लगता है, तो कम आँच पर मैं इसको भून रही हूँ और बीच बीच में और काम भी कर रही हूँ, साथ में इसको भी देखे जा रही हूँ। तो बस ये देखिए इस तरह से पक रहा है हमारा। अब इस तरह से जो मूंग दाल थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में थी, अब वो थोड़ी इस तरह से हो गई है, गाढ़ा बन गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है अब, कि अब मुझे लग रहा था कि हाँ अब थोड़ा पकने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे खड़े खड़े ही गैस के पास ही। तो बस ये देखिए थोड़ा सा कढ़ाई भी मेरे पास मोटे तले वाली यही वाले है, दूसरी थोड़ा सा उसका जो तला है वो थोड़ा पतला है, तो मोटी कढ़ाई के तले में ही इसको आप बनाइएगा अगर आप बनाओगे। सर्दियों में बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है, पर इसमें घी बहुत ज़्यादा लगता है, तो बस वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये देखिए इस तरह से हमारा हलवा तैयार भी हो रहा है, और ये थोड़ा थोड़ा अब घी जो इसमें मैंने घी डाला था वो थोड़ा थोड़ा छोड़ने लग रहा है, तो बस ये इसका सिम्टम्स होते हैं कि हाँ ये पकना शुरू हो गया है। और साथ ही मैं ये मैंने डाल दिए हैं पैन में थोड़ा सा घी डाल के, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स काटे थे उनको हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ, इससे हल्का सा टेस्ट आ जाता है अच्छा। और इसी में ही मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है, तो बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी, अच्छी सी खुशबू आ रही थी, तो इसको हल्का सा मैंने पहले ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ हल्का सा सिम गैस पे इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था, ताकि मैं जब हलवा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद ये डालूँगी इसमें, तो ये अच्छी तरह से जब रोस्ट हो जाए तो फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसको अभी हलवे के अंदर। लेकिन अभी हलवा तो मैं भूंदी रही हूँ साथ में, ये मैं आपको अलग गैस पे लगा के रखा है मैंने चूल्हे पे, तो ये देखिए मैं साइड से दिखा रही हूँ इसको, हल्का सा जो इसमें तेल है वो अब किनारे से अब इसमें निकलने लगा है, थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो गया है और ऑयल इसमें बाहर दिखने लग गया, तो इसका मतलब ये पकना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा टाइम है, तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहूँगी। बस इसमें यही काम है कि आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है और चलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो साथ ही मैं ये मैं दिखा रही हूँ आपको ड्राई फ्रूट्स, इनको भी मैं हल्के हल्के हाथों से भून रही हूँ ताकि हल्के से ये रोस्ट हो जाए और काफ़ी अच्छा सा क्रंची सा टेस्ट आता है इसका। तो बस ये जैसे ही भून जाएंगे तो बस साथ में मैंने पानी गर्म करने को भी लगा दिया है, क्योंकि जो मैं हलवा जो मेरा ये मूंग दाल का हलवा है इसके अंदर डालूंगी, तो बस अब हमारा लगभग मूंग दाल का हलवा है जो वो रेडी हो रहा है, तो मैंने इसमें शुगर डाल दी है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और जैसे भी आप डालते हो वो शुगर अपने हिसाब से डालोगे आप। और ये साथ ही में मैंने इसमें डाल दिया है, मैंने पानी गर्म करके रखा था वो डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मैं ताकि इसमें लम्स ना बने, तो बस ये इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए काफ़ी टेस्टी बना था वैसे हलवा, तो ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और अगर मुझे इसमें पानी कम लगा तो मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी। तो ये बस अच्छी तरह से मिक्स करके अभी मिक्स करते करते मैं इसमें और पानी ऐड कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था। तो बस ये देखिए अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा पानी और साथ ही मैं इसमें अब जो मेरे ड्राई फ्रूट्स है वो भी डाल दूंगी। तो ये देखिए अब 5 मिनट के बाद पकने के बाद हो चुका है हमारा हलवा रेडी, तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि व्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये था हमारा टेस्टी सा मूँग दाल का हलवा, और काफ़ी टेस्टी और यम्मी बना था। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं तक, मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक बार घर पे मूंग दाल का हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी यम्मी और टेस्टी बनता है। लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसको बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अब एक नए व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।